राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़े की जनगणना हत्या के विरोध में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारी और समाज के लोगों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का कठोर सजा देने की मांग की। बीते 5 दिसंबर को कुछ हमलावरों ने गोगामेड़े के घर के नीचे उनकी हत्या कर दी थी। इसके विरोध में पूरे देश भर में राष्ट्रीय कर्णी सेवा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस पर जमकर विरोध कर रही है। इसके साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों ने गोगामेड़े को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से हम सभी लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के लिए अपने रायसेन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा दी जाए। राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय स्वर्गीय सुखदेव गोगामेड़े की जिस तरीके से कल जयपुर राजस्थान में हत्या की गई है, पूरे देश के अंदर क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों ने उनके समर्थन में जगह जगह आंदोलन किए और हर जगह एक ही मांग है कि जो भी अपराधी थे उन्हें दंडित किया जाए। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़े जी की निर्मम हत्या की गई है और इस तरह से जघन्य अपराध किया गया है। इस संबंध में पूरे देश में राजपूत समाज बहुत आक्रोशित है और ये इतनी निंदनीय घटना हुई है जिससे हम लोग बहुत दुखी और आक्रोशित हैं। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो और कठोर से कठोर सजा दी जाए। जो भविष्य में ऐसी हरकत करने से, ऐसी निंदनीय घटना करने से लोगों को डर लगे और ऐसी भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो पाए।